मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज वेब ऑप्टिक्स का सेकेंड लेक्चर जिसमें हम लोग जानेंगे कि वेब फ्रंट होता क्या है और इसको दिया किसने था सजेस्टेड बाय हाइगेंस हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जाना कि हाइगेंस ने हमें एक टॉपिक दिया था वेव फ्रंट ठीक है तो वेव फ्रंट हम इस लेक्चर में जानेंगे कि वेव फ्रंट होता क्या है देखिए द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट अब इसको एक एग्जांपल से अगर समझा जाए तो ज़्यादा बेटर है जैसे हम एक पॉन्ड में एक तालाब में अगर हम एक पत्थर फेंकते हैं तो वहां पर क्या होगा डिस्टर्बेंस पैदा होगा तो वाट इज डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस इज अ सोर्स ऑफ लाइट डिस्टर्बेंस इज अ सोर्स ऑफ लाइट तो जैसे मान लीजिए कि ये सोर्स ऑफ लाइट है ये मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट है तो हम ये जानते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट के लिए ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है ठीक है तो होता यह है कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट ऑल डायरेक्शन में ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट ऑल डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगा ठीक है तो अभी हम इसको केवल एरो से जानेंगे कि हमारा ये जो लाइट ट्रैवल कर रहा है ये ऑल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है लेकिन यहाँ से हमें अभी वेब फ्रंट नहीं क्लियर हो रहा तो हमारा जो एग्जांपल है वो ये है कि ये जो सोर्स ऑफ लाइट है ये एक्चुअली क्या है डिस्टरबेंस है तो डिस्टरबेंस को हमने किससे समझा कि जैसे हम पॉइंट में अगर पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ से क्या स्टार्ट होता है वेव्स बनना स्टार्ट होती है और ये वेव्स कैसे बनना स्टार्ट होती है सर्कुलर वेव्स कैसे बनना स्टार्ट होती है सर्कुलर तो जैसे मान लीजिए हमारी ये पहली वेव्स है ये जो वेव है ये हमारी फर्स्ट वेव है ठीक है तो व्हाट इज दिस दिस इज वेव फ्रंट अच्छा ऐसे ऐसे ये वेव्स बनती रहती है ठीक है फर्स्ट वेव फ्रंट तैयार होगा उसके बाद सेकेंड वेव फ्रंट तैयार होगा फिर थर्ड वेव फ्रंट तैयार होगा लेकिन हमको ये जानना है कि जैसे पॉन्ड का एक एक तरीके से उसकी एक सीमा होती है पॉन्ड का एक एंडिंग पॉइंट होता है तो एंड पॉइंट पर यह वेव फ्रंट जो आप सर्कुलर देख रहे हैं ये आगे चल करके पैरेलल हो जाती है ये वेव फ्रंट जैसे जैसे हम पॉन्ड के डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस पॉइंट से जब हम बहुत दूर चले जाते हैं तो वहाँ पर ये वेव फ्रंट जो आपको सर्कुलर दिखाई दे रहा है ये सर्कुलर ना होकर के आपको पैरेलल दिखाई देगा ठीक है चलिए इसको समझा जाए द लोकस ऑफ आल पार्टिकल्स लोकस मीन्स लोकेशन आल पार्टिकल्स इन ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट ये जो हमारा वेव फ्रंट है इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स ये बहुत सारे क्या है पार्टिकल्स होते हैं ठीक है तो ये तो हमने फिगर में कितने पार्टिकल्स बनाए हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ पार्टिकल बनाए लेकिन आठ पार्टिकल नहीं होते हैं देर आर सो मैनी इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं लेकिन ये कहाँ पर है ये वेव फ्रंट पर है तो वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनका फेस सेम होता है वो डिस्टरबेंस सेम फेस में करते हैं ठीक है जितना डिस्टरबेंस ये, करेगा उतना, ये करेगा उतना ही ये भी करेगा उतना ही ये भी करेगा उतना ही ये भी उतना ये भी तो इन सब का जो फेस uh, है मतलब डिस्टरबेंस फेस ये सेम है ठीक है तो ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा अब चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ लाइट ज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट बेटा ये लाइट का प्रोपेगेशन है ये लाइट प्रोपेगेशन लाइट प्रोपेगेशन और ये वेव फ्रंट ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं ठीक है ठीके? हमारा ये जो वेव फ्रंट है और ये प्रोपेगेशन ऑफ जो लाइट है ये ऑलवेज एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं इस तरीके से थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ फोर्थ पॉइंट एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स विच ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विथ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम अब इसके लिए हम एक दूसरा फिगर बनाते हैं देखिए ये आपका क्या है सोर्स ऑफ लाइट या हम कह सकते हैं डिस्टरबेंस। फर्स्ट डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल्स तो जब ये सोर्स ऑफ लाइट हम लेंगे तो इसके चारों तरफ एक क्या तैयार होगा वेव फ्रंट तैयार होगा अब इस वेव फ्रंट में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वेव फ्रंट में क्या है बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो मैंने क्या बताया कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये सेम फेस में होते हैं ठीक है ना तो सेम फेस को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हाउ कैन बी डिफाइन सेम फेस ये पार्टिकल भी अब न्यू डिस्टर्बेंस पार्टिकल हो जाएगा ये भी डिस्टर्बेंस पार्टिकल है इस डिस्टर्बेंस पार्टिकल ने जो वेव फ्रंट बनाया तो इस वेव फ्रंट के जितने भी पार्टिकल्स हैं ये न्यू डिस्टर्बेंस पार्टिकल की तरह काम करेंगे और ये भी वेव फ्रंट बनाएंगे देखिए ये भी आपका एक वेव फ्रंट ऐसे बनाएगा ये आपका वेव फ्रंट ऐसे बनाएगा ठीक है तो सारे पार्टिकल्स ने एक नया वेव फ्रंट बनाया तो इस वेव फ्रंट को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स क्या कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं तो ये जितने भी सर्किल आप देख रहे हैं इनका रेडियस सेम होगा ठीक है ऐसा नहीं है कि ये बड़ा सर्किल होगा ये छोटा सर्किल ये बड़ा सर्किल ये छोटा सर्किल ऐसा नहीं है क्योंकि हमको ये भी डिफाइन करना है कि डिस्टर्बेंस सबका सेम है तो एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट ये जो गिवन वेव फ्रंट है इसमें हर पॉइंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस ये जितने भी पार्टिकल हैं ये न्यू डिस्टर्बेंस का काम करेंगे कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स और इनको हम लोग क्या कहेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे विच ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन ये सारे वेवलेट्स इस तरीके से काम करेंगे ये चारों डायरेक्शन में चलते हैं विथ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम जो लाइट की वेलोसिटी होती है उसी वेलोसिटी से ये ट्रेवल करते हैं फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया होगा अब फिफ्थ पॉइंट ए सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली ये जो आपके सेकेंडरी वेवलेट्स हमको मिल रहे हैं अगर हम इसको टेंजेंशली देखिए जितने भी ये छोटे छोटे सर्किल बने हैं अगर हम इसको ऐसे टच करते हुए एक सर्किल तैयार करें ठीक है, देखिए कह रहा है ए सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं उनको टेंजेंशली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब देखिए हमको आगे बढ़ना है हमारा बनेगा तो बेटा पीछे भी ये पीछे भी बनता है लेकिन हमको इसको नहीं लेना है हमको ये जो हमारा वेव फ्रंट था पहले इसके आगे वाला एक सर्किल तैयार करना है इसलिए इन्होंने लिखा है फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन हमें आगे वाले डायरेक्शन को लेना है एट एनी इंस्टेंट मतलब किसी टाइम पर बेटा ये जो तैयार होगा ये बनने में कुछ टाइम लेगा हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता छोटा टाइम लेता है गिव्स द न्यू वेव फ्रंट हमें ये एक नया वेव फ्रंट मिलता है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट और ये जो वेव फ्रंट मिला है इसका नाम है सेकेंडरी वेव फ्रंट ठीक है तो बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ कैन बी डिफाइंड सेकेंडरी वेवलेट्स एंड हाउ कैन बी डिफाइंड सेकेंडरी वेव फ्रंट तो हमने यहाँ पर सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं अब हमको जानना है कि वेव फ्रंट्स के कितने टाइप्स होते हैं ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब फ्रंट्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेब फ्रंट्स स्पेरिकल वेब फ्रंट सिलेंड्रिकल वेब फ्रंट एंड प्लेन वेब फ्रंट तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाट इज स्पेरिकल वेब फ्रंट तो देखिए ये सोर्स ऑफ लाइट है हम जानते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट से जो वेव्स होती है वो ऑल डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती है ठीक है और ये सोर्स ऑफ लाइट क्या तैयार करती है वेव फ्रंट तैयार करती है और ये वेव फ्रंट किस तरीके से तैयार करती हैं स्फेरिकल सर्कुलर नहीं स्फेरिकल जैसे एक बॉल होती है ना ऐसे करके तैयार होती है जैसे ऐसे मतलब पहले छोटा बॉल बनेगा फिर ऐसे करके धीरे 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 बड़ा बॉल बनेगा है ना? तो इस तरीके से हमारे वेब फ्रेंड तैयार होती हैं और ये वेब फ्रंट किस शेप में होती है स्फेरिकल होती है और ये जो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है इसके ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है इन द केस ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स मतलब किसी एक सोर्स से अगर लाइट ट्रेवल हो रही है तो द देव फ्रंट्स आर स्फेरिकल इन सेप जो हमारा वेब फ्रेंड्स होगा वो किस शेप का होगा स्फेरिकल सेप में और ये इस्पेयर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है अब हमें जानना है व्हाट इज़ सिलेंड्रिकल वेब फ्रंट अगर हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है वो पॉइंट सोर्स ना होकर के अगर लीनियर है मान लीजिए कि ट्यूबलाइट जैसे हम लोग ट्यूबलाइट देखते हैं ना तो ट्यूबलाइट लंबी सी होती है तो ये ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट से जब भी लाइट ट्रेवल करेगी तो कैसे ट्रेवल करेगी जो बेटा यहाँ पर ट्रेवल करेगी वही यहाँ पर भी ट्रेवल करेगी वही लाइट यहां पर भी ट्रेवल करेगी वही लाइट यहां भी ट्रेवल करेगी ठीक है तो ये क्या करेगी हर एक पॉइंट हर एक पॉइंट एक वेव फ्रंट बनाएगा हर एक पॉइंट क्या बनाएगा एक वेव फ्रंट बनाएगा हर एक पॉइंट एक वेव फ्रंट बनाएगा।, बनाएगा और ये वेव फ्रंट बनता जाएगा तो हम ये देखते हैं कि जब हम इस वेव फ्रंट ये क्या है ये ये वेव फ्रंट है वेव फ्रंट क्या तैयार करेगा सेकेंडरी वेवलेट्स तैयार करेगा सेकेंडरी वेवलेट्स अभी आप लोगों ने सीखा था सेकेंडरी वेवलेट्स क्या तैयार करेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट तैयार करेंगे इसका मतलब हमें एक वेव फ्रंट ऐसा भी मिल सकता है एक वेब फ्रंट हमें ऐसा भी मिल सकता है और जब हम इसको ऐसे करके जोड़ेंगे तो ये किस शेप का रहेगा ये सिलेंड्रिकल सेप में रहता है इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारा सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर इन शेप अगर हमारा सोर्स ऑफ लाइट लीनियर इन सेप है जैसे ट्यूबलाइट होता है तो हमारा जो वेब फ्रंट तैयार होगा वेब फ्रंट इज फॉर्म इन सिलेंड्रिकल सेप ठीक है अब आता है प्लेन वेब फ्रंट क्या है देखिए एज ए स्पेरिकल एंड सिलेंड्रिकल वेब फ्रंट एडवांसेस इस वर्ड को समझिएगा चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए तो जैसे ही इस जैसे जैसे इस्फेरिकल वेव फ्रंट या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एडवांस आगे बढ़ता चला जाता है जैसे ये वेव फ्रंट आगे बढ़ता चला जाए ऐसे करके पहला ये बना फिर दूसरा ये बना तीसरा इसके आगे बना ऐसे से बनता चला जाता है और इसका ये वेव फ्रंट बना फिर ये वेव फ्रंट बना फिर इसके बाद वाला वेव फ्रंट तैयार हुआ तो हो क्या रहा है कर्वेचर डिक्रीजेस इसका कर्वेचर और इसके कर्वेचर में डिफरेंस है इसका कर्वेचर सबसे ज्यादा है और इसके आगे वाला जो सर्किल तैयार हो रहा है उसका कर्वेचर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है वैसे इस ये जो सबसे पहला वेव फ्रंट तैयार हुआ है इसका कर्वेचर सबसे ज़्यादा है और इसके बाद जो भी कर्वेचर तैयार हो रहे हैं वेव फ्रंट तैयार हो रहे हैं उनका आ, कर्वेचर डिक्रीज हो रहा है तो एक समय ऐसा आता है मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जैसे जैसे हम सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट से दूर जाते जाएंगे हमारा वेव फ्रंट कैसा मिलेगा पैरेलल मिलेगा ठीक है जैसे जैसे कर्वेचर डिक्रीज होता है सो एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स विल बी प्लेन वेव फ्रंट हमें लार्ज सोर्स ऑफ लाइट से जितना दूर जाएंगे हमें जो वेव फ्रंट मिलेगा वो कैसा वेव फ्रंट मिलेगा प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा ठीक है तो दिस इज प्लेन वेव फ्रंट ठीक है इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट और ये तीनों वेव फ्रंट कैसे तैयार होते हैं अब इसके आगे का जो लेक्चर रहेगा वो हमें ये बताना है कि हाउ कैन वी डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लास टेंथ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो लॉ है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के सेम होता है तो हमको यही चीज़ डिराइव करनी है अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल और जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमें ये कहता है कि साइन आई इक्वल टू साइन आर ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें बताता है तो हमें हाइगेंस रूल से ही ये प्रूफ करना है कि कैसे साइन आई और साइन आर इक्वल होंगे ठीक है या रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट देखिए साइन आई इक्वल टू साइन आर कोई रिलेशन नहीं है ठीक है रिलेशन क्या है रिलेशन है साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट ये रिलेशन है तो हाइगेंस प्रिंसिपल इसको प्रूफ करेगा इसको नहीं प्रूफ करेगा ठीक है चलिए आज का लेक्चर इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को जानेंगे ओके थैंक यू